सभी का स्वागत है। आज हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा आठवीं का सामाजिक विज्ञान अध्याय चौथा, और यह अध्याय है आदिवासी दिक्कु और एक स्वर्ण युग की कल्पना, और यह चौथा भाग है। इस अध्याय में हम चर्चा करें बिरसा का बचपन, बिरसा और अन्य धर्म, बिरसा का धर्मांतर, बिरसा का आंदोलन, गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने का संकल्प, बिरसा का आंदोलन, अंग्रेजों की परेशानी, जेल से बाहर निकलने के बाद बिरसा का आंदोलन, बिरसा आंदोलन का परिणाम, इन मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम बिरसा का। बिरसा मुंडा, इनका बचपन का परिचय दे, जन्म है 1870 के दशक के मध्य में। दोस्तों, बिरसा मुंडा के बारे में हम इस अध्याय के पहले ही भाग में चर्चा कर चुके हैं। और इनका बचपन है, भेड़ बकरियां चरा देते, बांसुरी बजा देते, स्थानीय आखाड़ों में नाचते गाते थे, इस तरह से उनका बचपन बीत गया था। और परवरिश जो है जो बोहंडा के आसपास के जंगलों में हुई है, और गरीबी के कारण उनके पिता को काम की तलाश में इधर उधर भटकना पड़ता था। और बचपन में ही बिरसा मुंडा ने आदिवासी समुदाय द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह किए गए थे उनकी वह कहानियाँ सुनता था। और उसने ये भी सुना था कि मुंडा लोग दिक्कों के उत्पीड़न से पूरी तरह आज़ाद थे जब कोई यहाँ अंग्रेज लोग नहीं थे या दिक्कू नहीं थे। दिक्कू का मतलब होता है यूरोपियन लोग। उनके मुखिया चाहते थे कि उन समुदाय के परंपरागत अधिकार बहाल हो जाए, और वे खुद को मूल निवासियों के वंशज मानते थे और अपने जमीन की लड़ाई लड़ रहे थे। वे लोगों को याद दिला देते कि उन्हें अपना साम्राज्य वापस पाना है। तो बिरसा मुंडा का जब उदय हो रहा था उस वक्त उनके ही समुदाय में कुछ लोग तो होते थे कि जो ब्रिटिशों के नीतियों का विरोध करते थे, वह अपना स्वर्ण युग को हासिल करना चाहते थे। अपना उनका जो आनंददायी जीवन था उस पर उनका अधिकार होना चाहिए, इस वो मत के बन चुके थे। बिरसा और अन्य धर्म की हम बात करते हैं, तो बिरसा को स्थानीय मिशनरी स्कूलों में मिशनरियों का उपदेश सुनने का भी मौका मिला, क्योंकि उन्होंने जर्मन मिशनरी स्कूल में दाखिला दिया गया था। और उनको कहा गया है कि अगर अच्छे ईसाई बनेंगे, अपनी शराब की आदतें छोड़ देंगे, तो मुंडा समुदाय स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है और वह अपने खोए हुए अधिकार प्राप्त कर सकता है। लेकिन शर्त एक थी कि वह अच्छे ईसाई बनेंगे तभी हो सकता है, मतलब उनको धर्मांतर करना पड़ेगा। और कुछ समय के बाद और कुछ समय वैष्णव धर्म के जो प्रचारक होते थे उनके साथ भी बिरसा ने अपना समय बिताया था। उन्होंने जनेऊ धारण भी किया था। जनेऊ धारण का मतलब होता है कि अपने जो ब्राह्मण लोग होते वो जनेऊ धारण करते हैं। उन्होंने शुद्धता व दया पर भी जोर दिया था। जब बिरसा मुंडा जर्मन मिशन स्कूल में दाखिला लिए थे, और यह उनको दाखिला जयपाल नाग नामक व्यक्ति ने जर्मन मिशन स्कूल में दाखिला करने के लिए सलाह दी थी, और जब वह उस स्कूल में और उस स्कूल में धर्मांतर करना अनिवार्य था, और इस तरह से बिरसा का धर्मांतरण किया गया था, और वह क्रिश्चियन बनकर बिरसा डेविड और बाद में वह बिरसा दाऊद के नाम से पहचाने जाने लगे थे। कुछ समय बाद अध्ययन करने के बाद वह जर्मन मिशन स्कूल छोड़ दिए थे और बाद में वह अपने समुदाय की ओर लौट गए। बिरसा का आंदोलन की बात करते हैं, तो किशोरावस्था में ही बिरसा जिन विचारों के संपर्क में आए थे उनसे वह काफ़ी प्रभावित हो गए थे। उन्होंने अपने आदिवासी समुदाय को, अपने आदिवासी समाज को सुधारने का उन्होंने प्रण लिया था, और ये सुधारने का उनका आंदोलन था। उन्होंने मुंडा समुदाय से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दे, क्योंकि आदिवासी समुदाय बहुत ही शराब पीते थे, शराब के धुत में नशे में रहते थे, जिससे उनको कोई होश नहीं रहता था। गांव को साफ रखे क्योंकि स्वच्छता होना जरूरी था, और जैसे कि वो अंधविश्वास या डायन व जादू टोने में विश्वास करते थे, और इसीलिए उनको ऐसे विश्वास ना करने की सलाह दी। उन्होंने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का भी उन्होंने विरोध किया था, लगातार विरोध करते रहे, और वह उनको बाहर के मानते थे जो मुंडा जीवन शैली को वो नष्ट कर रहे थे। और उनका मानना था कि इन्हीं बाहरी लोगों के वजह से ही
आदिवासी समुदायों की जो जीवन शैली है वह प्रभावित हो गई है, उनकी जीवन शैली नष्ट हो रही है, उनकी परंपरागत जो व्यवहार हो रहे हैं उनसे वो परेशान हो गए, और इसीलिए अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए उन्होंने संकल्प लिया है। और इसीलिए 1895 में बिरसा ने अनुयायी से गौरवपूर्ण अतीत को वापस करने के लिए, उसको पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लेने का उन्होंने आह्वान किया, और वह स्वर्ण युग सतयुग प्राप्त करने के लिए उन्होंने मुंडा लोग, उनका कहना था कि मुंडा लोग बहुत ही अच्छा जीवन बीते थे, प्राचीन मतलब जो स्वर्ण युग था उनका उस जमाने में, वह तटबंध बनाते थे। तटबंध मतलब क्या है कि खेती के लिए नहर बनाना, तालाब बनाना, या अपने आसपास के गांव में पानी की सुविधा करने के लिए या गांव की सुरक्षा करने के लिए इस प्रकार के तटबंध बनाते थे। कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे, अपने बिरादरों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे, मतलब समुदाय में समुदाय के लोगों से झगड़ा नहीं करते थे, ईमानदारी से ज़िंदगी जीते थे। और इसीलिए बिरसा चाहते थे कि फिर एक बार अपनी ज़मीन पर लोग खेती करें, एक जगह पर टिके रहे और अपने खेतों में काम करें, ईमानदारी से काम करें, तभी हम अपना गौरवपूर्ण अतीत को फिर से वापिस या प्राप्त कर सकते हैं। और यह आह्वान बिरसा मुंडा ने अपने अनुयायी से किया था। जब बिरसा का आंदोलन बहुत ही तेजी से चल रहा था तो राजनीतिक उद्देश्यों से अंग्रेजों को यह परेशानी नजर आती थी, और यह आंदोलन मिशनरी, महाजनों, हिंदू भूस्वामी और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहते थे, क्योंकि ये मिशनरी ब्रिटिशों के ही साथी थे, महाजन हिंदू भूस्वामी ये भी सरकार को ही सहकार्य करते थे, और इसीलिए मुंडा राज स्थापित करने के लिए इन सब को निकालना बेहद जरूरी समझते थे। और यह आंदोलन इन्हीं ताकतों को मुंडाओं की सारी समस्या और कष्टों का स्रोत मानते थे, क्योंकि यही लोग होते हैं जैसे मिशनरी, महाजन, हिंदू भूस्वामी, यही लोग होते हैं जो मुंडा समुदाय के समस्या निर्माण करने के लिए उत्तरदायी थे। अंग्रेजों की भू नीतियाँ उनकी परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी, हिंदू भूस्वामी और महाजन उनकी जमीन छीनते जा रहे थे, उनको कर्जा तो देते थे लेकिन उस पर ज़्यादा ब्याज भी देते थे, मिशनरी उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना करते थे क्योंकि वो कहते थे कि आदिवासी संस्कृति इतनी सभ्य नहीं है, इतनी प्रगत नहीं है, अगर सभ्य और प्रगत बनना है तो क्रिश्चियन धर्म अपनाना चाहिए, इस तरह से उनको मजबूर किए जाते थे, उनकी संस्कृति की आलोचना की जाती, टीका टिप्पणी की जाती थी। और जैसे ही जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेजों ने इस पर सख्त कार्रवाई करना शुरू किया, और 1895 में इस तरह से बिरसा को गिरफ्तार किया गया, उन पर आरोप लगाया गया दंगे फसाद का, और उनको 2 साल की सजा सुनाई गई, मतलब 1895 से लेकर 1897 तक वो रांची के जेल में चले गए। और जब वो 1897 में जेल से बाहर निकलते हैं तो उसके बाद फिर से उन्होंने अपने आंदोलन का समर्थन जुटाने के लिए गांव-गांव घूमना शुरू कर दिया। उन्होंने लोगों को प्रेरित किया कि वे अपने परंपरागत प्रतीकों और भाषाओं का प्रत्यंश प्रयोग करें। रावण, जिनको उन्होंने दिक्कू और यूरोपियों को कहा गया है कि इनको तबाह करने का उन्होंने आह्वान किया है कि ये लोग यहाँ नहीं रहनी चाहिए, इनको यहाँ से भगाना है। अनुयायी दिक्कू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को वो निशाना बनाने लगे, उन पर हमला करने लगे, थाने और चर्चों पर उन्होंने हमला किए, महाजनों और जमींदारों की संपत्तियों पर उन्होंने धावा बोल दिया, और इस तरह से मिशनरी, भूस्वामी, महाजन यह उनके टारगेट थे, और सफेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक के रूप में वह लहराने लगे। यह देखते हैं कि बिरसा आंदोलन का परिणाम क्या हो गया है, कि जब बिरसा ने यह आंदोलन चलाया तो इसके 2 महत्वपूर्ण परिणाम हो गए। तो उसके पहले हम बात करते हैं कि 9 जून 1900 में बिरसा की हैजे की मृत्यु हो गई, और उसके बाद उनको सक्षम नेतृत्व न मिलने के कारण बिरसा का आंदोलन ठंडा पड़ गया। लेकिन ठंडा पड़ने के बाद भी यह आंदोलन का महत्व कम नहीं हुआ, क्योंकि उसके 2 परिणाम बता सकते हैं कि इस आंदोलन ने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून करने के लिए मजबूर किया जिनके जरिए दिक्कू लोग आदिवासियों की जमीन पर आसानी से कब्जा नहीं कर सकते थे। ये पहला परिणाम हो गया है कि कानून बनाने के लिए अंग्रेजों को मजबूर किया गया है। दूसरा है कि इसने एक जता दिया है कि अन्याय का विरोध
विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी लोग सक्षम हैं। वह किसी से डरते नहीं और वह किसी के दबाव में रहना पसंद नहीं करते, ये उन्होंने दिखा दिया। और इसीलिए उन्होंने अपने खास अंदाज में, अपनी खास रस्मों में, अपने संघर्ष प्रतीकों के जरिए खास शैली में इसको उन्होंने अंजाम दिया। तो इस तरह से बिरसा आंदोलन का परिणाम हुआ, जो ब्रिटिश लोगों को अपने ही नीतियों में परिवर्तन करना पड़ा। तो दोस्तों, यह अध्याय आपको समझ में आया है, यह मैं उम्मीद करता हूँ। और इसी के साथ यहाँ हम रुकते हैं।